नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग तथा मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा 2023 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इस नोटिफिकेशन के बारे में, कब से ऑनलाइन फॉर्म भरना चालू हो रहे हैं, क्या परीक्षा शुल्क रखा गया है, क्या एग्जाम का पैटर्न रहेगा, क्या शैक्षणिक योग्यताएं हैं। इन सभी बिंदुओं पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, कब से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना प्रारंभ हो रहे हैं। तो दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि 1 जनवरी 2023 है और आप 27 जनवरी 2023 तक उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, 12 जनवरी से 27 जनवरी 2023 तक आप इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, यदि आपने फॉर्म में कुछ मिस्टेक कर दी भरते समय या कोई और जानकारी आप भरना चाहते हैं, तो आवेदन में संशोधन करने की प्रारंभिक तिथि 12 जनवरी 2023 है और अंतिम तिथि 1 फरवरी 2023 है। ध्यान रखें दोस्तों, 12 जनवरी 2023 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं और आप 27 जनवरी 2023 तक इस एग्जाम के लिए आवेदन कर सकते हैं और 1 फरवरी तक आप संशोधन कर सकते हैं, 1 फरवरी 2023 तक। अब हम बात करते हैं आवेदन शुल्क की, परीक्षा शुल्क की। तो दोस्तों, अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए ₹600 कुल परीक्षा शुल्क रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों, इन कैटेगरी में सिर्फ उन अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। तो इन सब के लिए कुल शुल्क ₹300 है दोस्तों। इसके अलावा सभी अभ्यर्थियों के लिए जो कि कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, उनके लिए एमपी ऑनलाइन पोर्टल का शुल्क ₹60 देय होगा। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉग इन कर फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों के लिए ₹20 पोर्टल शुल्क देय होगा। इन बातों का आपको ध्यान रखना है परीक्षा शुल्क के संदर्भ में। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन परीक्षा पद्धति की समय सारणी। दोस्तों, 1 मार्च 2023 दिन बुधवार से यह परीक्षा प्रारंभ होनी है। कहने का मतलब है, यह परीक्षा काफी दिनों तक चलने वाली है। शिफ्ट वाइज आपके एग्जाम होंगे जो कि 1 मार्च 2023 से शुरू होंगे। दोस्तों, एक दिन में 2 पाली में पेपर होगा। प्रथम पाली सुबह की, द्वितीय पाली दोपहर से शुरू होगी। तो दोस्तों, जिन अभ्यर्थियों का पेपर प्रथम पाली में होगा, उन अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग टाइम प्रातः 7 बजे से 8 बजे के बीच रहेगा। और दोस्तों, महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने के लिए समय उत्तर अंकित करने के समय से ठीक पूर्व 10 मिनट अर्थात 8:50 से 9 बजे तक कुल 10 मिनट का समय महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने दिया जाएगा एवं उत्तर अंकित करने का समय सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक रहेगा। कुल 2.5 घंटे का समय एक अभ्यर्थी को उत्तर अंकित करने या प्रश्न पत्र को सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। दोस्तों, इसी प्रकार से द्वितीय पाली में अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग टाइम दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक, महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने के लिए समय 1:50 से 2 बजे तक कुल 10 मिनट एवं प्रश्नों को सॉल्व करने या उत्तर देने या उत्तर अंकित करने का समय दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक, कुल 2.5 घंटे का रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, और भी निर्देश दिए गए हैं जिनको आप इस नोटिफिकेशन के माध्यम से पढ़ सकते हैं। दोस्तों, यह नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप वहां से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की जो कि इस नोटिफिकेशन में आपके लिए बनाए गए हैं। दोस्तों, शैक्षणिक योग्यता की यदि हम बात करें तो संबंधित विषय में अभ्यर्थी को द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ BEd या उसके समकक्ष कोई डिग्री धारी होना चाहिए। इसके अलावा
संस्कृत पाठशाला की उच्च माध्यमिक शिक्षक संस्कृत के संबंध में संस्कृत साहित्य या व्याकरण आदि में मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में आचार्य उपाधि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। इसके अतिरिक्त बीएड प्रशिक्षित होना अनिवार्य होगा। आपको इन शैक्षणिक योग्यताओं का ध्यान रखना है। इसके अलावा शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हता होने के लिए प्रवर्गवार न्यूनतम अंकों का प्रतिशत निम्नलिखित होगा। दोस्तों ध्यान रखें, प्रश्न पत्र में आपको इतने न्यूनतम अंक कम से कम लाने होंगे। यदि आप इस परीक्षा में अर्हता पाना चाहते हैं तो दोस्तों ध्यान रखें, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को कम से कम 50%, न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, एवं इसके अलावा अन्य अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 60% अंक का बेंचमार्क तय किया गया है। दोस्तों एक बात और आपको ध्यान रखनी है, यदि कोई भी अभ्यर्थी जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का है किंतु वह मध्य प्रदेश का मूल निवासी नहीं है, उसको न्यूनतम जो अंक लाने होंगे वह 60% ही होंगे। इन चार कैटेगरी अर्थात एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उनके लिए 50%, इन चारों कैटेगरी में जो दूसरे क्षेत्र के निवासी हैं, दूसरे राज्य के अभ्यर्थी पेपर देने आएंगे उनको 60% ही लाने होंगे। दोस्तों दिव्यांग आवेदकों के लिए न्यूनतम अर्हकारी अंक 50% ही होंगे, चाहे वह किसी भी स्टेट के हों, उनके लिए स्थानीय निवासी होने की कंडीशन नहीं रखी गई है कि वह अभ्यर्थी या दिव्यांग अभ्यर्थी मध्य प्रदेश का मूल निवासी ही हो तब उसको 10% की छूट मिलेगी। उन्हें 50% अंक ही न्यूनतम लाने होंगे, चाहे वह मध्य प्रदेश के निवासी हों या किसी दूसरे स्टेट के निवासी हों। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं पदों का वेतन कितना है। तो दोस्तों याद रखें, उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए न्यूनतम वेतन ₹36,200। इसके अलावा महंगाई भत्ता, जिसको हम डीएवी कहते हैं, डियरनेस अलाउंस, वो अलग से दिया जाएगा। फिलहाल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मूल वेतन में 34% अलग से आपको महंगाई भत्ता दिया जाता है। तो दोस्तों ₹36,200 के अलावा आपको 34% इसका अतिरिक्त मिलेगा, यह आपका वेतन होगा इस पद के लिए। दोस्तों इस नोटिफिकेशन में आपको और भी जानकारियां दी हुई हैं कि प्रवेश पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होगी, परीक्षा प्रवेश पत्र के संबंध में जानकारियां दी हुई हैं, कहाँ से आप डाउनलोड करेंगे, कहाँ से प्राप्त करेंगे, यह सारी चीज़ें आप इस नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे मूल्यांकन पद्धति की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। दोस्तों विभागीय नियम के अनुसार प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा और दोस्तों ऋणात्मक मूल्यांकन भी होगा। दोस्तों याद रखिए, इस एग्जाम में माइनस मार्किंग होनी है, प्रति 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर एक अंक काट लिया जाएगा, अर्थात आपकी 1/4 माइनस मार्किंग होनी है। यदि आप एक प्रश्न का गलत उत्तर करते हैं तो उस प्रश्न के सही नंबर का 1/4 आपका अंक काट लिया जाएगा, या 4 उत्तर गलत करने पर आपका एक सही प्रश्न का उत्तर काट लिया जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखें, इस एग्जाम में माइनस मार्किंग आपकी होनी है। दोस्तों यहां पर आपके लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया दी हुई है, आप इसको भी देख सकते हैं। सारा नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे कि परीक्षा का पैटर्न क्या है। इसके लिए हम पॉइंट को ढूंढ लेते हैं, 1 मिनट। दोस्तों हम समय अवधि की बात कर चुके हैं, कब से ऑनलाइन आवेदन शुरू होना है, 12 जनवरी। दोस्तों हम ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की समय अवधि की बात कर चुके हैं कि 12 जनवरी से 27 जनवरी तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं, कुल 16 दिन आपको मिलने हैं। संशोधन की तिथि की भी हमने बात करी,
ऑनलाइन परीक्षा के विवरण की भी हमने बात करी, 1 मार्च 2023 से शुरू होना है, 2.5 घंटे आपका पेपर होना है और अधिकतम अंक होंगे 150। परीक्षा शुल्क की बात हम कर चुके हैं। ऑनलाइन परीक्षा केंद्र दोस्तों आप देख सकते हैं, कुल 17 जिलों में आपके लिए ऑनलाइन परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें बालाघाट, बैतूल, भोपाल, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, कटनी, खंडवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी एवं उज्जैन, कुल मिलाकर 17 जिले शामिल हैं। दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम की उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए। दोस्तों यह बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है जो या जिसकी जानकारी आपके लिए होना चाहिए। दोस्तों सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे और पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा और परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे की होगी। दोस्तों कुल मिलाकर आपके लिए 150 क्वेश्चन दिए जाएंगे, कितने टाइम में, 2 घंटे 30 मिनट में। 2.5 घंटे में आपको 150 प्रश्न करने होंगे। पात्रता परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पीय अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिनके 4 विकल्प होंगे और 1 विकल्प सही होगा। दोस्तों प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और ऋणात्मक मूल्यांकन होगा, अर्थात दोस्तों प्रति 4 प्रश्नों के गलत उत्तर देने पर 1 अंक काट लिया जाएगा, अर्थात 1/4 की माइनस मार्किंग आपकी इस परीक्षा में रहेगी। 1 गलत उत्तर करने पर उस प्रश्न के सही उत्तर का 1/4 नंबर आपका काट लिया जाएगा। यदि आप 4 प्रश्न गलत करते हैं तब आपकी 1 सही प्रश्न का उत्तर का नंबर काट लिया जाएगा, इसको कहते हैं 1/4 माइनस मार्किंग। दोस्तों प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे, भाग आ और भाग बा। भाग आ सभी के लिए अनिवार्य होगा, अर्थात आप किसी भी विषय से हो आपके लिए सबके लिए भाग आ कॉमन होगा और सभी को अनिवार्य होगा। दोस्तों भाग बा के अंतर्गत शामिल विषयों में से किसी एक विषय का आपको चयन करना होगा। दोस्तों आपके प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे, भाग आ और भाग बा। भाग आ सभी के लिए कॉमन होगा, सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा और भाग बा में आप उस विषय का चयन कर सकते हैं जिस विषय से आप परीक्षा को देना चाहते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं भाग आ के 4 खंड होंगे जिनमें अंकों का अधिभार निम्न अनुसार होगा। दोस्तों जो आपका भाग आ होगा जो सभी के लिए कॉमन होगा, चाहे वह मैथ्स सब्जेक्ट को फिल करता है, चाहे पॉलिटिकल साइंस को करता है, चाहे इकोनॉमिक्स इंग्लिश किसी को भी करता है, भाग आ सबके लिए सेम होगा, जिसमें दोस्तों 4 सेक्शन हैं। सामान्य हिंदी जिसमें 8 क्वेश्चन आएंगे 8 नंबर के, सामान्य अंग्रेजी के 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम तार्किक एवं आंकिक योग्यता के 7 प्रश्न 7 नंबर के, शिक्षा शास्त्र जिसको हम पेडोगोजी कहते हैं उसके 10 प्रश्न आएंगे 10 नंबर के। इस प्रकार से कुल 30 प्रश्न 30 नंबर के होंगे भाग आ में। इसके अलावा दोस्तों भाग बा में 120 प्रश्न होंगे और 120 अंक होंगे दोस्तों, और प्रश्न पत्र के अंतर्गत 16 विषय नीचे तालिका में दिए गए हैं, जिसमें से अभ्यर्थी अपने स्नातकोत्तर उपाधि के विषय में ही परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा। दोस्तों यहाँ पर 16 विषय दिए गए हैं, यदि आप इन 16 में से किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि रखते हैं तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यह परीक्षा इन 16 विषयों को लेकर होगी, जिसमें शामिल है हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, संस्कृत भाषा, उर्दू भाषा, गणित, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, गृह विज्ञान, वाणिज्य, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, कृषि एवं समाज शास्त्र। तो दोस्तों यह होगी विषय वस्तु कि किस विषय को लेकर आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं। दोस्तों उस विषय के कुल 120 प्रश्न होंगे और 120 अंक के होंगे। और दोस्तों यदि आप सिलेबस को जानना चाहते हैं तो भाग आ का सिलेबस आपके लिए इन विषयों के नीचे दिया हुआ है। इसके अलावा सभी विषयों का सिलेबस आपको इस नोटिफिकेशन में अलग से मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए हिंदी एवं इंग्लिश दोनों मीडियम में सिलेबस को डिफाइन किया गया है, आप चाहें तो अपने विषय के अनुसार सिलेबस को यहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो 12 जनवरी से 27 जनवरी 2023 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो आप अन्य विद्यार्थियों तक भी इस जानकारी को शेयर करें ताकि वो भी हमारे इस वीडियो से इस जानकारी को प्राप्त कर पाएं। बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करते रहें, तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। जय हिंद।